बाढ़ के खतरे के बीच दिल्ली के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी आज दिल्ली के निचले इलाकों को अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल यमुना नदी का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। आज सुबह हथनी कुंड बैराज से 23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बाढ़ विभाग के मुताबिक आज शाम तक यमुना का जल स्तर 206.60 मीटर तक पहुंच जाएगा। यमुना नदी पहले ही खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और ऐसे में आज बाढ़ का खतरा काफी बढ़ चुका है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से यमुना में पानी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, जिसकी वजह से जमीन में तेजी से कटाव हो रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली में यमुना पर बने लोहे के पुल से गुजरने वाली 27 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। दिल्ली में यमुना लगातार उफान पर है और आप देख सकते हैं मीटर के जरिए 206 मीटर जो है वो भी यमुना अब क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि शनिवार को जो है वो 205 मीटर का जो लेवल है वो यमुना ने क्रॉस कर लिया था, यानी कि खतरे के निशान से शनिवार को ही जो है यमुना बह रही थी और अब आप देख सकते हैं कि 206 मीटर भी यमुना जो है वो क्रॉस कर चुकी है। इसका साफ मतलब है कि लगातार जो है वो यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने के चलते हालात जो हैं वो काफी गंभीर हो चले हैं, खासकर दिल्ली के निचले इलाकों में। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि जो यमुना बाजार का जो निचला इलाका है, निचले इलाके में जो आप देख सकते हैं झुग्गी झोपड़ियां जो हैं अब पूरी तरह से जो है वो डूबने लगी हैं। लगातार यमुना के जलस्तर में जो है इजाफा हो रहा है और आप देख सकते हैं कि 206 मीटर का जो लेवल है वो भी पार कर गई है यमुना, यानी कि करीब करीब 2 मीटर जो है वो डेंजर जोन से यमुना इस वक्त बह रही है। हमारे एडीएम से भी बात हुई है अजय कुमार से, उनका कहना है कि लगातार हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और यमुना के जो निचले इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो सुमित की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे और सीधे इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, आपकी जो रिपोर्ट है वो तो ये बता रही थी कि किस तरीके से खतरा और बढ़ने वाला है और कैसे अब मुश्किलें होंगी उन लोगों के लिए जो यमुना के आसपास रह रहे हैं। तैयारियां किस तरीके नजर आती हैं, तस्वीरें भी दिखा दीजिए। सुमित, आपको आवाज पहुंच पा रही है मेरी? तो लग रहा है सुमित तक जी, श्वेता, हालात जो है वो काफी गंभीर हो चले हैं श्वेता, क्योंकि कल आपने देखा था कि करीब सुमित आप अपनी बात पूरी करें। देखिए श्वेता, कल जिस तरह से आधा मीटर जो है वो कम था, करीब 205 मीटर से 70 सेंटीमीटर जो है वो आगे बढ़ गया था यमुना का जलस्तर, लेकिन आज काफी जो है वो पानी में बढ़ोतरी हुई है और करीब 206.03 जो है वो यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। तस्वीरों के जरिए श्वेता मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो ओल्ड ब्रिज है, यमुना बाजार का जो ओल्ड ब्रिज है वो आप देख सकते हैं, जो 10 नंबर जो पिलर है ब्रिज का वो पूरी तरह से अब डूबने लगा है, यानी कि उसके करीब पानी जो है वो यमुना का पहुंचने लगा है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात जो हैं वो काफी गंभीर हो चले हैं, क्योंकि ये जो लोहे का पुराना पुल है पूरी तरह से बंद कर दी गई है, किसी भी व्यक्ति को जो है इस पुल के जरिए जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ट्रेन का जो परिचालन है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन पानी जो है यमुना का लेवल जो है लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते जो है समस्या जो है खासी उत्पन्न हो गई है। मैं आपको यमुना, खासकर जो यमुना बाजार है
और शास्त्री पार्क का जो इलाका है वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि पूरी तरह से झुग्गी झोपड़ियां जो हैं वो पानी जो में डूब चुकी हैं और निचले इलाके जो हैं वो काफी इफेक्टिव हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले हमारी एडीएम से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि करीब 24,000 क्यूसेक पानी जो है वो हथनी कुंड बैराज से करीब 9 बजे सुबह यानी अब से एक घंटे पहले छोड़ा गया है, जिसके चलते और भी हालात जो हैं वो बिगड़ गए हैं। तो ऐसे में एहतियातन जो है निचले इलाके में जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है, यानी तैयारियां पूरी हैं और एक मुश्किलों भरे जो हालात है, लेकिन फिलहाल अभी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हथनी कुंड बैराज से अभी फिर भी पानी छोड़ा गया और उसके बाद किस तरह से यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है, जैसा आप बता भी रहे हैं। पल पल हम आपसे तस्वीरें लेते रहेंगे, दिखाते रहेंगे दर्शकों को क्या हाल है दिल्ली का। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद सुमित। तो देश के ज्यादातर हिस्सों में जलासुर का आतंक है, जहां तहां बारिश और बाढ़ का प्रलय जैसे हालात हैं, बेलगाम पानी की रफ्तार के आगे किसी की नहीं चलती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से देखते ही देखते ये तीनों गाड़ियां पानी में समा जाती हैं वो साफ समझा जा सकता है। बीच बस्ती में भारी बारिश के बाद जो हुआ उससे सभी लोग दहशत में हैं। ये देखिए किस तरीके से पानी आता है, पहले एक गाड़ी को अपनी चपेट में लेता है। हल्द्वानी के रक्सिया नाना उफान पर है, पानी अपना रास्ता तलाश कर आगे बढ़ रहा है। सामने आई गाड़ी किस तरीके से पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है, ये देखिए पहले एक गाड़ी जाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे वहां जो लोग इकट्ठा हैं वो लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही एक गाड़ी जो पानी की चपेट में आती है और इसके बाद बहा करके पानी इसको अपने साथ ले जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये प्रलय यहीं तक ही नहीं रुकती है, बल्कि ये देखिए दूसरी गाड़ी को भी कैसे अपनी चपेट में ये पानी लेता है। प्रलय बनाई इस धारा में सब बहता जा रहा है। एक गाड़ी के पहिए पर जब पानी का प्रहार हुआ तो लोगों को लगा कि बचा लेंगे, कुछ लोग पास की किस तरीके से दूसरी गाड़ी में खड़े हैं वो भी आप देख पा रहे हैं, मगर धारा इतनी खौफनाक है कि वहां पैर डालने का मतलब है सीधा मौत। बगल में खड़ी एक और कार जलासुर की चपेट में आ जाती है, बस कुछ ही सेकंड में उस गाड़ी को भी खींचकर खाई में गिरा देता है ये पानी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एक नाले के उफान से इतना बड़ा प्रलय कैसे हो सकता है, बीच बस्ती में जलासुर घुसकर आतंक कैसे बचा सकता है। और इसी सड़क पर कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन अब इंसान की सारी ताकत प्रकृति के प्रकोप के आगे बौनी साबित हो रही है। अब बारी थी ऑटो की, दो कार को निगलने के बाद जलासुर का पेट नहीं भरा था, ऑटो को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। लोग ताकते रह गए और सब दरिया में समाता चला गया। पानी के रौद्र रूप के आगे उनकी एक ना चली और तेज बहाव में 6 साल का एक मासूम भी बह गया। पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, बस्ती में रहने वाले लोग अब डरे खौफ में है। डर लग रहा है कि कहीं आधी रात में गहरी नींद में सोते वक्त आसमानी आफत से उनका पाला ना पड़ जाए। ये देखिए कैसे ये तस्वीरें, हालांकि सिर्फ एक जगह की नहीं है, हम लगातार इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं जहां गाड़ियां किस तरह से तैरती नजर आती हैं, तेज पानी के बहाव में आ जाती हैं, खाई में चली जाती हैं, और इसीलिए समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है।